तो ये मैं पहुंच चुका हूं यहां पे हिंदू टेंपल दुबई, और टाइमिंग्स आप लोगों के सामने है, 6 बजे से 8:30 बजे तक एंट्री है इसमें, और मंडे से सैटरडे लास्ट एंट्री 8:30 से 8:30 बजे तक, मंदिर खुला रहने से 8:15 तक, सोमवार से रविवार तक आप लोगों के सामने ये पूरी की इन्फॉर्मेशन है। बाकी मंदिर की लुक भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो चलो आज आपको थोड़ा सा नजदीक से मैं ये मंदिर दिखाता हूँ। तो प्लीज आइए, कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप आइए मेरे पीछे पीछे। और हाँ जी, तो ये कुछ मंदिर देखो, देखने में काफी भव्य है और बहुत ही हमारी संस्कृति हमारी पहचान है यार, तो सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं बस आप प्लीज दिखाएं थोड़ा सा मंदिर को, ये देखो अच्छा खासा फूलों से सजा हुआ मंदिर, बहुत प्यारा भव्य। तो देखो बुलावा अपने आप आता है, हम भी इतने काफी टाइम से रह रहे हैं लेकिन अभी तक मतलब टाइम ही नहीं लग पाया, लेकिन आज एकदम से मतलब शायद मंदिर से ही बुलावा आया होगा, हम यहाँ पे आए और काफी ज्यादा चकाचौंध, और शाम के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है ये मंदिर। पॉज करो, तो सिक्योरिटी वाले भाई यहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने इनसे पूछा कि अंदर हम वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, तो उन्होंने मना किया कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो आइए आप मेरे पीछे पीछे आइए, थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पे भी। बाकी आप कवर कीजिए यहाँ पे मंदिर को भी। तो ये है हमारे हिंदू समाज की पहचान, हमारा मंदिर हमारी आंखों के सामने, एक दुबई जैसे मतलब आपको पता ही है अरबियन कंट्री है, लेकिन फिर भी तो देश तभी डेवलप होता है कोई भी जब उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना रखा जाए। तो दुबई को मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, देखो सारे के सारे जितने भी रिलीजन के लोग हैं, हम हिंदू समाज के हैं, आपको पीछे मैंने दिखाया ये है सिख समाज से जुड़ा हुआ देखो गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा के पीछे पीछे देखो आप इस साइड को कैमरा घुमाएं तो इस साइड को आप लोग देख सकते हैं सेंट मीना चर्च है ये। तो देखो कोई भी समाज हो, किसी भी धर्म का लोग हो, तो यहाँ पे आ सकते हैं, अपने 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 प्लेसेस पे काफी अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। और आप मंदिर दिखाएं प्लीज, बाकी पिछले कल मैंने आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग शेयर किया था, लेकिन उस पर आप लोगों का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया जितना कि उससे पहले वाले ब्लॉग पर आया होता। तो ये कुछ पार्ट रह गए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो गुरुद्वारा के अंदर ये देखो, ये गोल्डन टेम्पल हमारे इंडिया में है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो जो दुबई के शेख हैं इन्होंने ही यहाँ पर देखो अनुमति दी थी यहाँ पे ये मंदिर बनाने की। तो मैंने पिछले कल भी कहा था, तभी तरक्की होती है किसी देश की जब पार्शियलिटी ना की जाए, सभी धर्मों को एक समान माना जाए। और ये भाई गुरु जी का प्रसादा था यहाँ पे, हलवा बना हुआ था, ये भी हमने खाया। तो देखो भाई, मेरे मन को तो बहुत ज़्यादा शांति मिली, और हमें अपने जो रिलीजियस प्लेस हैं उन पे जरूर जाना चाहिए, एक मेडिटेशन सी भी हो जाती है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे फील हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। और जो गुरुद्वारे के अंदर जो लंगर बनता है ना यार, उसका खाना है बिल्कुल सादा खाना होता है और एकदम से टेस्टी खाना होता है, तो हमने खाना भी इंजॉय किया। हालांकि इस वाला पार्ट को मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का खाना बना हुआ था वहाँ पे, सिंपल सा और एकदम से टेस्टी। और शाम के टाइम कुछ इस तरह से एक मनमोहक सा दृश्य आप सभी लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं। तो एक गुरुद्वारा भी कुछ इस तरह से सजा होता है, गुरुद्वारा के ही टच में मंदिर है, मंदिर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और साथ के साथ बैक साइड में चर्च है। तो तीनों धर्मों के ये जो प्रसिद्ध स्थान एक जगह पे मिले हुए हैं, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुकून मिला यहाँ पर।
तो ये देखो, ये मेरे पीछे मंदिर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। और मंदिर जाने से पहले हम गए थे वहाँ पे गुरुद्वारे में, ये मेरे पीछे गुरुद्वारा है, यहाँ पे हमने लंगर प्रसाद एंजॉय किया। और बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल चला हुआ था पूरे पूरे हफ्ते का, तो उसमें से अभी हमें टाइम मिला तो यहाँ पे हमने विजिट किया और मन में सच्ची में बहुत अच्छा लगा। और हिंदू लोग मिले यहाँ पे, मैं देखो हिंदू की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, सारे के सारे लोग मिले। पंजाबी है पीछे, ईसाई चर्च है मेरे पीछे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो हर एक समाज के लोग यहाँ पे मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजॉय करने को मिला। और मेरे को देखो कितना ज़्यादा पसीना पड़ रहा है, तो भाई ये गर्मी है लेकिन फिर भी अपने समाज को कैसे हम छोड़ सकते हैं। अब काफ़ी टाइम के बाद आया पूरे पूरे, मतलब 2-3 साल के बाद मतलब मंदिर में विजिट किया मैंने। और आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पार्किंग का भी अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये है मंदिर की पार्किंग, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पर 24 घंटे देखो सिक्योरिटी के भाई यहाँ पे बैठे रहते हैं। और बहुत अच्छा लगा यार हमारा, देखो मंदिर में आके मतलब एक तरह से, मतलब सच्ची में बताऊँ जो मेरा दिल की मतलब फीलिंग है अभी, तो मेडिटेशन सी फील हो रही है और काफ़ी प्यारा लगा। तो ये था कुछ अभी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा भी हो गया है। और अब हम भी चलते हैं भाई अपनी कमरे की तरफ, क्योंकि सवेरे जाना है भाई ड्यूटी में, और रेस्ट भी करते हैं प्रॉपरली, फिर नींद भी पूरी नहीं होगी तो फिर ड्यूटी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलो अब चलते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने भाई, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं सिंपल सा जो अपना है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हो। मैं मतलब औरों की तरह नहीं बोलता कि हाँ ज़बरदस्ती यार, क्योंकि जब तक आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो नेचुरल सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो तब जाके मैं सीधी साफ सुथरी बात कहता हूँ, अगर पसंद आए तो तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलो यूँ ही मिलते रहेंगे आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही था, तो मिलेंगे अब मैं नेक्स्ट संडे को एक नए मूड के साथ, फ्रेश मूड के साथ, अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। आपको लो वीडियो में तो इसी के साथ इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करने वाला हूं। आई होप ये वाला ब्लॉग भी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ मैं जानता हूं कि आप सारे के सारे लोग इस टाइम पे वर्ल्ड कप देखने में बिज़ी हो जाते हैं, तो वर्ल्ड कप के साथ साथ मेरे इन ब्लॉग्स को भी इन्जॉय करें, सपोर्ट करें मुझे भी। और वैसे भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बहुत मज़ा आया उस वाले मैच में भी। तो वर्ल्ड कप के साथ साथ मेरे यूट्यूब पर भी आए यहाँ पर, तो अब मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। Bye-bye and take care.